जब ये पार्टी बनी थी, आइडियोलॉजी इसका डेवलप हुआ था, और क्यों ये एक टाइम ऐसा था जबकि ये एक छत्र इसने राज किया, और क्यों कभी ऐसा लगता था कि पूरा अगर नेशन वाइड कोई अगर राज कर सकता है तो वो कांग्रेस कर सकता है या कांग्रेस के सपोर्ट के साथ कर सकता है, अकेले नहीं कर सकता है। आपने एक चीज का जिक्र किया कि ममता बनर्जी ने जो ये चीज एक नेग्लेक्ट किया हुआ है कि भाई कांग्रेस की जरूरत नहीं है, हम एक दूसरा जो है फ्रंट बनाएंगे। देखिए, एक सवाल आपका और था, उसका जवाब ये है कि देखिए, एक दूसरा फ्रंट तो रहेगा ही रहेगा, कोलिजन तो रहेगा ही रहेगा, स्पेशली अगर आप सेंट्रल इलेक्शंस में देखेंगे, उसके पीछे कारण है। यहाँ पे भी होगा तो दो ही जो है राइवल पार्टी रहेंगी, चाहे वो फ्रंट के रूप में रहे। बीजेपी में भी बहुत सारे अलायंसेस होते हैं, नेशनल लेवल पे भी और इवन स्टेट लेवल पे भी होते हैं। 100% अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि केवल अपने दम पे वो जो है पूरा कर ले, कुछ राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, कुछ फ्रेंडशिप होती है जिसके कारण उनको साथ लेना पड़ता है, चाहे वो कितने भी मेजोरिटी सीटों से वो आगे आ जाए या कितने भी कॉन्फिडेंट हो। देखिए, उसके पीछे जो ममता बनर्जी ये सपना देख रही है या विपक्ष का अगर कोई भी आदमी देखे तो ये मैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोलूंगा। और स्पेशली अगर आज के डेट में देखा जाए, जबकि इलेक्शन मुश्किल से 2 से 2.5 साल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मैं इसलिए बोल रहा हूं, एक थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज, 1% का भी बहुत छोटा हिस्सा, मैंने असंभव वाले जो प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई ऐसी कोई लहर चल जाए, ऐसा कोई मुद्दा हो जाए जहां पे एक आदमी ऑल ऑफ सडन नेशनल लेवल हीरो बन जाए। देखिए, नेशनल लेवल पे चाहे आप कोलिजन पे जाइए चाहे इंडिविजुअल जाइए, इसके लिए सबसे जिम्मेदार जो फैक्टर है वो भारत की पॉलिटिकल एंड सोशल जो है डाइवर्सिटी है। मैं एक टाइम के लिए केवल ममता बनर्जी का मैं लेता हूं कि मे बी पॉसिबल ममता बनर्जी बंगाल में क्लीन स्वीप कर जाए, लेकिन वो एक लिमिटेड एरिया तक ही उनके रिसोर्सेज हैं, उनके जो भी सिस्टम है, जो भी उनकी कमजोरी है या अच्छाई है, वो बंगाल तक है। इवन मैं आपको बोलता हूं कि अगर वो बंगाल के बाहर निकलती हैं तो शायद वो कैंपेन भी ठीक से ना कर पाए, क्योंकि लगभग जो मेजॉरिटी सीट आती है वो हिंदी भाषी क्षेत्रों से आती है, कम्युनिकेशन वहां बैरियर हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस के टाइम पे साउथ इंडिया के दो तीन ऐसे थे जहां पे कि उनको ऑफर किया गया ऐसे नेताओं को कि जो है आप कांग्रेस के हेड बनिए या आप जो है प्राइम मिनिस्टर बनिए, उन्होंने खुद बोल दिया था कि चूंकि हिंदी मुझे नहीं आती है तो मैं उतना सक्सेसफुल नहीं होगा होऊंगा, तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस को हेड करने से या प्राइम मिनिस्टर बनने से रिफ्यूज कर दिया था। पहला फैक्टर ये हो गया, जो सोशल और इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है यहाँ पे वो बहुत जबरदस्त है, वो अकेले कोई एक पार्टी यहाँ पे नहीं कर सकती है। पैन इंडिया प्रेजेंस अगर किसी का है तो वो अभी भी कमजोर है या बहुत स्ट्रांग है, वो या तो कांग्रेस का रहा है या बीजेपी का रहा है। बीजेपी अभी बहुत स्ट्रांग हो गई, हर डिस्ट्रिक्ट में इनके कार्यालय हो गए, कभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे छोटे छोटे गाँव में मैन पावर का होना, ऑफिसेज होना, ये कांग्रेस के पास था। कांग्रेस जब गांधी के इरा में आई थी तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो आज कॉन्सेप्ट है, ये गांधी के इरा में ये उस वक्त बन गया था कि हर प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी कमेटी बनाई थी। फर्दर उन्होंने पेनेट्रेट किया था, एक्सपेंशन किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में और हर गांव में वो पहुंचे। तो ममता बनर्जी या किसी एक सिंगल पार्टी के लिए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर ममता बनर्जी या कोई और नेता इस चीज को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि हमको ये करके दिखाना है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, 2 साल में वो क्या करेंगी। अकेले तो ये एकदम टोटली इम्पॉसिबल है कि पूरे पैन इंडिया के एक एक गांव में वो छा जाए, जब तक कि कोई दैव योग से ऐसी कोई बहुत मिरेकल वाली चीज ना हो जाए। हर जगह लोगों को कनेक्ट करना, हर जगह पहुंचना, संगठन को खड़ा करना, वो इम्पॉसिबल है। ऑप्शन एक बचता है, ममता बनर्जी जो ऐसा बोल रही है, ममता बनर्जी जानती है, देखिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं तो सब में होती है, कांग्रेस इस वक्त बहुत कमजोर है, कांग्रेस की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है घोषित या अघोषित तरीके से, वो राहुल गांधी है। नो डाउट ममता बनर्जी उनसे ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकती हैं, ज्यादा एलिजिबल हो सकती हैं, तो ममता बनर्जी तो इस चीज को फायदा उठा रही है, क्योंकि अभी बंगाल इलेक्शंस में उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है। तो विपक्ष को भी और एक माहौल भी ऐसा बना है कि भाई ममता बनर्जी एक कैरिज्मेटिक लीडर है, वो एक बहुत एलिजिबल है, बहुत कुछ कर सकती हैं। तो ममता बनर्जी इस चीज का, इस माहौल का जो इस वक्त बना हुआ है जिसमें कांग्रेस बहुत कमजोर है, उसके पास कोई प्राइम मिनिस्टर का एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, और दूसरी कोई रीजनल पार्टी इतनी स्ट्रांग परफॉर्म नहीं कर रही जितना ममता बनर्जी कर रही है, तो क्यों ना मौके पे चौका लगाया जाए। ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की बात है। और एक चीज मैं और बोलता हूँ,
अगर इसी रास्ते पे दूसरी पार्टियां भी चलेगी, माइनस कांग्रेस करके वो चलती हैं, तो मुझे ये लगता है कि बहुत मुश्किल होगी उनके लिए।